हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मेरा किचन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि आज मैं किचन में जाके कुछ बनाने वाले हैं। वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं किचन में क्या बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देते हैं आपको। आज हम किचन में चल के मैगी बनाने वाले हैं, जो बहुत ही यमी और टेस्टी बनने वाला है। सो अभी आप मेरे साथ बने रहें ब्लॉग पे, और हम चलते हैं किचन में और अपना मैगी बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। पहले हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें तेल डालते हैं। थोड़ा गर्म हो जाता है तो प्याज, टमाटर, धनिया, मिर्च सब काट के हम तैयार कर लेते हैं। और अभी तेल गर्म होने के बाद हम मिर्चा और प्याज से छौंक लगा देते हैं, और थोड़ा सा प्याज को भूरा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भूरा होगा तब तक हम मैगी को फाड़ के तैयार कर लेते हैं। और हमारा प्याज अभी लगभग थोड़ा भूरा हो चुका है, उसमें टमाटर डाल देते हैं। टमाटर डालने के बाद उसमें मसाला वसाला हम डालना शुरू कर देते हैं। थोड़ा कुछ टाइम के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, और फिर जैसे ही मसाला भून जाएगा तो उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें मैगी डालते हैं। मैगी को अच्छे से अभी हम डाल देंगे जितना सारा मैगी होगा, और मैगी को डालने के बाद फिर इसमें हम पानी डालेंगे। और हमें पानी अपने हिसाब से डालना पड़ेगा, जितना हम खा सकते हैं, जैसा जिसको पसंद हो। किसी को बिल्कुल सूखा पसंद होता है, किसी को ग्रेवी चाहिए होता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें डाल के इसको कुछ टाइम तक हम छोड़ देते हैं पकने के लिए, और धनिया वनिया ऊपर से हम डाल देते हैं ताकि बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बने। और ये देखिए अभी मैगी हो रहा है, अभी बस 5 मिनट में मैगी अपना कम्प्लीट हो जाएगा। इतना प्यारा, इतना टेस्टी लग रहा है देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा। आप भी ट्राई करिए और मैगी बनाइए, और आज घर पे खाइए। हमारा मैगी बनके तैयार हो चुका है। आपने देखा मेरी मैगी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और फिर मिलते हैं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।